गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी हैड कंप्लीट द न्यू वर्ड्स विद वर्ड मीनिंग, विद मीनिंग एंड फ्रेम सेंटेंसेस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यू वर्ड्स एंड यू हैड डन दिस न्यू वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक नीटली एंड लर्निंग. स्टूडेंट्स, टूडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. यूनिट 3, नसरुद्दीन एम, क्वेश्चन आंसर. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट? वो पूछ रहे हैं कि व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट, अपने बारे में वो क्या बोस्ट कर रहा था. मतलब कि बोस्ट का मतलब क्या हुआ? तारीफ करना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना. तो नसरुद्दीन अपने बारे में क्या बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा था? तो नसरुद्दीन ने तो बढ़ा चढ़ा कर बोला ही था, पढ़ा है ना. ये चैप्टर आपकी हिंदी की बुक में भी है, तो आपको तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. आपने हिंदी में भी इसको किया और इंग्लिश में भी किया, तो बड़ा अच्छा लगा होगा, इंजॉय भी किया होगा आपने इस चैप्टर को रीड करने में, क्योंकि आपको हिंदी की टीचर ने भी इस चैप्टर को पढ़ाया और मैंने भी आपको पढ़ाया इसको इंग्लिश का, है ना. तो आपको बड़ा मज़ा आया होगा इसको पढ़ने में. तो बताइए फटाफट से, जो नसरुद्दीन था वो क्यों व्हाट डिड क्या बोस्ट करता है, बढ़ा चढ़ा कर क्या बताता है अपने बारे में, क्या बताता है? यस, बताता है कि वो एक बहुत अच्छा आर्चरी, वो है आर्चरी, है आर्चरी मास्टर है बहुत अच्छा. उसकी उसकी जो स्किल है उसको कोई भी क्या नहीं कर सकता, उसकी स्किल को मैच नहीं कर सकता है बिल्कुल भी, है ना. तो हमारा आंसर क्या है, हम यहाँ पर आंसर होगा हमारा, नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी. नसरुद्दीन जो है बोस्टेड करता है, बढ़ा चढ़ा के बताता है अबाउट हिज स्किल, अपनी स्किल के बारे में, जो आर्चरी की जो स्किल है उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताता है. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट? वो पूछ रहे हैं कि नसरुद्दीन जो थे उन्होंने वो बार हर बार जब जितनी बार भी उन्होंने अपना मिस किया है टारगेट, जब वो टारगेट कर रहे थे एम्स को बो और एरो से, तो वो मिस उन्होंने 2 times मिस किया था जब हमने चैप्टर में पढ़ा. तो वो कह रहे हैं कि जो हर बार उन्होंने जो जब अपना जो टारगेट है उसको मिस किया, तो उन्होंने दूसरे का नाम क्यों लिया, किसी और का नाम क्यों लिया, तो क्यों लिया था उन्होंने, जिससे कि वो अपने फ्रेंड्स के सामने अपने आप को, क्योंकि उन्होंने अपने आप को फेलियर एक्सेप्ट नहीं किया था और उनको अपने फ्रेंड्स के सामने वो झूठ वो कर रहे थे, बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे, तो उनको मतलब ये लग रहा था कि मेरे फ्रेंड्स को ये ना लगे कि मुझे आता नहीं है, है ना. तो देखिए हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, हमारा आंसर यहाँ पर होगा, नसरुद्दीन टुक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट, बिकॉज नसरुद्दीन ने हर बार दूसरे का किसी का भी नाम लिया. क्यों? हर बार जब भी उन्होंने अपना टारगेट मिस किया, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट, क्योंकि वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे हिज फेलियर, अपना जो वो फेल हुए हैं इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने जो दोस्त थे उनके सामने अपना जो वो फेल हुए हैं, वो जो नाकाम हुए हैं अपने टारगेट को मतलब एम को टारगेट करने में जो वो फेल हुए हैं, वो अपने दोस्तों के सामने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हर बार जब भी वो फेल हुए किसी दूसरे का नाम लिया. कि मैं तो उसकी तरह बता रहा था कि अगर वो होता, कौन, एक तो किसका नाम लिया था उन्होंने, आज़ाद का नाम लिया था, कि आज़ाद होता तो आज़ाद इस तरीके से क्या करता, एरो को शूट करता, ठीक है. फिर दूसरी बार उन्होंने राजा की जो मंत्री थी उनका नाम लिया था, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड नसरुद्दीन से, नसरुद्दीन क्यों कहते हैं ऐसा, एंड इट वाज माय एम, यह मेरा एम है, दैट थर्ड टाइम, तीसरी बार जब वो टारगेट करते हैं एम को और वो टारगेट एकदम से बिल्कुल टारगेट पे जाकर लगता है उनका एम जो है वो, सॉरी एम कह रही हूँ, जो एरो है वो एकदम एम पर जाकर उनका बिल्कुल एम पर लगता है, तो फिर हिट होता है राइट ऑन द टारगेट, मतलब राइट टारगेट पर जाकर लगता है हिट होता है, तो वो ये क्यों कहते हैं, इट वाज माय एम थर्ड टाइम में. तो हमारा आंसर क्या है, क्यों कहते हैं वो ऐसा, क्योंकि उस टाइम टारगेट उनका बाय चांस बाय लक लग जाता है, वो एकदम से वो किसी को मौका नहीं देते हैं बोलने का और फटाफट से बोलते हैं इट्स वाज माय एम, यह मेरा निशाना है ना, एम का मतलब यहाँ पर निशाना है.
हमारा आंसर क्या होगा? नसरुद्दीन सैड, नसरुद्दीन कहते हैं इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम, बिकॉज तीसरी बार नसरुद्दीन ने कहा ये मेरा निशाना है, क्यों? क्योंकि द एरो हैड हिट, जो एरो था वो हिट हो गया था द टारगेट एक्यूरेटली, बिल्कुल एक्यूरेट टारगेट पे जाकर हिट हुआ था, मतलब एकदम से बिल्कुल सही जगह सही निशाने पर जाकर वो लगा था। इसलिए नसरुद्दीन ने एकदम से फटाक से कहा, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया और एकदम फटाक से बोला इट वॉज माई एम, यह तो मेरा एम है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी, आपको क्या लगता है, क्या सोचते हो कि नसरुद्दीन वाकई में अच्छा वो तीरंदाजी था या गुड आर्चरी मतलब धनुधरी था? तो था नो, वो तो बढ़ा चढ़ा कर उन्होंने बताया था, उनका वो बहुत अच्छे वो नहीं थे, और जो तीसरी बार उनका जो टारगेट हिट होता है एक्यूरेट वो तो बाई चांस हो जाता है, बाई लक हो जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ, हम आंसर क्या देंगे? नो, नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी, जो नसरुद्दीन थे वो बिल्कुल भी अच्छे गुड आर्चरी नहीं थे। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन आंसर्स। नाउ यू विल डू दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर इंग्लिश नोटबुक नीटली एंड प्लानली। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।